हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी जयपुर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 29 सितंबर चाणक्यस करंटनामा। एंड आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और जो कल क्वेश्चन ऑफ द वीक दिया गया था आपने उसे लिखा है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट न्यूज ऑफ द डे, निपाह वायरस आउटब्रेक, व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सी, इसमें एक जो टर्म यूज किया गया है वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। So, पहले हम ये समझ लेते हैं कि निपाह वायरस से रिलेटेड ये टर्म है क्या और निपाह वायरस क्या है। So, जैसा आप सभी को पता है कि केरला में निपाह वायरस का आउटब्रेक हुआ है, तो अगर ये चीज पूछी जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर कॉज्ड बाय वायरस, जैसे मैच द फॉलोइंग आ सकता है कि आप मैच कीजिए कि टीबी है ना, एचआईवी है, तो ये वायरस से कौन सी होती है, और या फिर ऐसे पूछ सकते हैं हाउ मेनी ऑफ दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस, या फिर हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो आपको याद रखना है निपा वायरस, ठीक है। वैसे ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, बट नाउ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सी, हमने क्या किया है कि वैक्सीन्स, बेसिकली आप इसको कह सकते हैं एंटीबॉडी, इस तरह की एंटीबॉडी है जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट की थी जब ये वायरस आउटब्रेक हुआ था। यूजुअली क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो इंडिया वैक्सीन्स और जो फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसमें मेजर एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इस चीज का हमने क्या किया था, इंपोर्ट किया था ऑस्ट्रेलिया से। तो पहले हम समझते हैं कि आखिर ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ये है क्या। देखो इसमें प्रीलिम्स में किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इस तरह का पूछेगा और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे कि इनमें से इसका फंक्शन क्या है, जैसे कि कोई रैंडम अलग जैसे आरएनए डीएनए से कनेक्ट कर दिया या फिर किसी और चीज से कनेक्ट करके वो पूछ सकता है। तो हम देखते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर लेबोरेटरी मेड प्रोटीन्स दैट मिमिक द बिहेवियर ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फॉरेन सब्सटेंसेस। यानी ये क्या है, लैब ग्रोन प्रोटीन्स, लैब में बनाए गए प्रोटीन है। जैसे किसी को जुकाम लगती है तो उसकी एंटीबॉडीज ऑटोमेटिकली क्या करती है, काम करना शुरू कर देती है और उस कॉमन कोल्ड वायरस को खत्म करने की कोशिश करती है। उसी तरह से क्योंकि वो बॉडीज में वो जो एंटीबॉडी थी वो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हुई थी, ये लैब ग्रोन एंटीबॉडी है, काम उसी तरह करेगी लेकिन ये लैब ग्रोन एंटीबॉडी है और ये क्या करती है हमारी बॉडी में किसके साथ मिलके, इट मिमिक्स द बिहेवियर ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय द इम्यून सिस्टम, उसी की तरह बिहेव करके क्या करती है, डिजीज एंड फॉरेन सब्सटेंस से बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है आपको याद रखनी है। इसमें एक और टर्म है M102.4। नाउ व्हाट इज M102.4? अकॉर्डिंग टू द रिसर्च पब्लिश्ड इन द लैंसेट जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, M102 इज ए पोटेंट फुल्ली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कौन सी है, ये वही है जिसकी हमने अभी बात की है, बस इसका नाम क्या दिया गया है, M102.4। तो आपको नाम याद रखना है, जैसे अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या पूछा जा सकता है, रैंडमली आपको ये भी पूछ लेंगे कि ये कोई बासमती राइस का कोई क्वालिटी है क्या, या फिर कोई ग्राम की कोई वीट या ग्राम मस्टर्ड इनमें से कोई क्वालिटी है क्या, इस तरह की चीजें आपसे पूछ सकते हैं ऑप्शन में। लेकिन हमें याद रखना है एम यानी आप याद रखो मोनोक्लोनल आपकी एंटीबॉडी और 102.4, ठीक है। 102 ऐसे समझ लेना 102 डिग्री का बुखार आ गया और उसके लिए आप क्या ले रहे हो, एंटीबॉडी ले रहे हो, इस तरह से आप इसको याद रखना M102.4। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, MGNREGS, सोशल ऑडिट यूनिट इन स्टेट ऑफ पैरालिसिस इन मैनी स्टेट। तो ये न्यूज डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ सोशल ऑडिट है क्या। देखो कोई भी स्कीम चलती है, प्रोजेक्ट चलता है कहीं भी, तो उसमें अगर जनता की पार्टनरशिप नहीं होगी, सपोज नरेगा की स्कीम है उसमें कितने लोग आए कितने लोग गए, वो अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा प्रोसेस, तो वो उसके अंदर करप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर करप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे तो क्या इफेक्टिव गवर्नेंस आ पाएगी, नहीं। तो ये किससे रिलेटेड है, GS2 से। तो पहली चीज तो ये कि ये GS2 से रिलेटेड है। दूसरी चीज इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि चैलेंजेस का जो मेन फोकस है इस पूरे आर्टिकल में, मेन फोकस किस पे, चैलेंजेस पे है। अब हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है। जब भी कोई स्कीम आती है, जैसे हम देखते हैं कि अगर MGNREGS की अगर हम बात करें तो उसमें जो ऑडिट होता है उसमें जनता भी अगर इन्वॉल्व होती है तो हम उसको बोलते हैं सोशल ऑडिट, क्योंकि अगर जनता इन्वॉल्व हो जाएगी तो वो एक तरह से क्या होगा, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आने के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये न्यूज है ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि
इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं हो पा रही है, किन कारणों के कारण? ये देखिए, इन द आउटगोइंग फाइनेंशियल ईयर द सोशल ऑडिट यूनिट्स हैव फ्लैग्ड मिसहैपनिंग्स ऑफ 27.5 करोड़, यानी कि रिपोर्ट तो इन्होंने इतना किया था पर उसकी रिकवरी क्या हो पाई? 27 करोड़ की इन्होंने क्या की थी, रिपोर्ट की थी कि इस तरह का फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन रिकवरी सिर्फ 13.8%। यानी कि यहां से सोशल ऑडिट कब सक्सेसफुल होगा? हम क्या करें, हम रिपोर्ट भी करें और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो, लेकिन सोशल ऑडिट नाम पे तो वर्क कर रहा है लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो जब भी आप गवर्नेंस का आंसर लिख रहे हो, GS2 में आंसर लिख रहे हो, तो आप अगर लिखते हो कि देर आर सम इश्यूज, देर आर सम की चैलेंजेस, तो वहां आपको क्या लिखना है, वहां लिखना है द सोशल ऑडिट इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द राइट वे। और फिर आप एग्जांपल भी दे सकते हो कि ओनली 13.8% ऑफ द रिकवरीज आर बीइंग टेकन प्लेस। ठीक है, तो इस तरह के आप आर्टिकल्स को एज ए डेटा सोर्स याद कर सकते हो। और सोशल ऑडिट आपको बता चुका हूं कि इस तरह जो GS2 में किस आपको यूज करना है। नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि एक एनालिटिकल है अपने अप्रोच में, इनसाइड द डिजिटल वर्ल्ड ऑफ कुकीज। देखिए सबसे पहले समझते हैं कुकीज क्या होती है। ये है ना, अगर आप इसकी हेडिंग्स देखोगे 1, 2 और 3 और एक 4, अगर आपको विजिबल है, या आपने लास्ट टाइम कमेंट्स में लिखा था कि विजिबल नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। आई होप नाउ दिस इज विजिबल। तो ये अपने आप में क्या है, एक मेंस का क्वेश्चन है ये। अब ये मेंस का क्वेश्चन कैसे है, देखो जो अच्छा एस्पिरेंट है उसकी यही निशानी होती है, वो क्या हर कंटेंट में अपना UPSC का मटेरियल ढूंढता है। अब देखो इसमें क्या है, हाउ डू कुकीज वर्क। तो ये सबसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इंट्रोडक्शन में आप यूज कर सकते हो अपने आंसर में। फिर दूसरा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कुकीज, फिर व्हाट आर द यूजर्स ऑफ कुकीज, और फिर व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड। अगर हम इसको गौर से देखें तो पहले हम ये समझते हैं कि हाउ डू कुकीज वर्क। आपने देखा होगा कि जब आप लॉग इन करते हो अपने कंप्यूटर में, गूगल क्रोम आप यूज करते हो, तो जब आप चले जाते हो फिर भी वो इन्फॉर्मेशन वहां स्टोर रहती है। ऐसा क्यों होता है, आप तो वहां से चले गए, उसको सेशन को आप लॉग आउट करके चले गए, फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन यूज कैसे होती है? या फिर आपने कौन से एड पे क्लिक किया, अगर आप सर्च करोगे कि आपको यूरोप का ट्रिप करना है, तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद में अलग अलग वेबसाइट से क्या आएगा, रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाता है। यानी आपकी डेटा यूज हो रही है एटलीस्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, तो वो किस माध्यम से यूज होती है, उसका जो प्रोसेस है वो कुकीज के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये एक चीज है जो कि कंसेप्ट है जो मैंने आपको जस्ट बताया अभी, तो ये आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो अगर कुकीज से रिलेटेड कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट इन केस अगर प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज में कहीं कोई इश्यू आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप ये सब चीजें कोट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आर्टिकल। ऑन वेबसाइट्स लाइक Amazon, कुकीज रिमेंबर कस्टमर्स प्रीवियस इंटरेक्शन, कि उन्होंने क्या क्या सर्च किया। जैसे आप अगर Amazon पे डाल के स्पीकर्स या हेडफोन्स आप सर्च करो, थोड़ी देर बाद में ऑटोमेटिकली ढेर सारे रिकमेंडेशन आ जाते हैं। कैसे, इससे आते हैं। ठीक है, नाउ कंसिडर एन एंचेंटेड ग्रोसरी कार्ट दैट नेवर एम्प्टीज नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू स्टेप अवे। आपने कार्ट में कोई चीजें डाली अपने Amazon पे या कहीं पे भी, आप चले गए वहां से, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जब थोड़ी देर बाद आप दोबारा अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, उस कार्ट में वो सारी चीजें पड़ी रहती है। जैसे आपने कोई बुक ऑर्डर करनी है, आपने कार्ट में डाल दी, या फिर आपने हेडफोन ऑर्डर करने, तो वो सारी चीजें रहती है। तो ये उसका यूज है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये इतनी बड़ी न्यूज क्यों है? इतनी बड़ी न्यूज ये इसीलिए बनी है बिकॉज इसमें प्राइवेसी के कुछ कंसर्न्स रेज किए गए हैं। तो कंसर्न्स हम पढ़ने से पहले कुछ देख लेते हैं कि कुकीज किस तरह की होती है, ये कहां काम आएगा आपको। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि जैसे फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, और इसमें पूछ लेते हैं कि मैच द कॉलम कि कौन सी कुकीज का फंक्शन कौन सा है, तो हम पहले देखते हैं सेशन कुकीज आर टेम्पररी कुकीज लाइक पोस्ट इट नोट्स फॉर वेबसाइट। सेशन कुकीज टेम्पररी टाइप कुकीज होती है जिसमें आप लॉग इन करते हैं उतनी देर वो रहेंगी, जैसे ही आपका सेशन खत्म कुकीज खत्म। सिंपल याद रखना, सेशन के साथ चलेगी, सेशन के बाद खत्म। परसिस्टेंट कुकीज आर डिजिटल इक्विवेलेंट टू बुकमार्क्स, दे स्टे ऑन द डिवाइस आफ्टर योर ब्राउजिंग सेशन एंड। परसिस्टेंट का मतलब ही क्या होता है, कोई चीज परसिस्टेंट है, यानी कि आप अगर सेशन आप बाहर भी चले गए, आपने बंद कर दिया लैपटॉप, बंद करके आप चले गए, फिर भी ये कुकीज वहां पे रहेंगी। दे और नेक्स्ट वाली है सिक्योर कुकीज। सिक्योर कुकीज आर ओनली सेंट ओवर इनक्रिप्टेड कनेक्शंस। आपने क्रोम यूज करते टाइम देखा होगा एक ऐसे लॉक करके एक बॉक्स आया रहता है ना,
वेबसाइट के पास में, वो सिक्योर्ड कनेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है कि ये कनेक्शन क्या है, सिक्योर है। तो वहां जो कुकीज यूज होती है वो क्या, कौन सी कुकीज है, दे आर सिक्योर्ड कुकीज। और फिर एक है थर्ड पार्टी कुकीज। देखो थर्ड पार्टी कुकीज आर सिमिलर, दे कम फ्रॉम डोमेन अदर देन द वेबसाइट यू आर यूजिंग। अब आपने कोई वेबसाइट ओपन की, उसके अंदर आपको अलग अलग एड्स दिख रहे हैं, लेकिन वो उस वेबसाइट के तो नहीं है, ये कहीं और वेबसाइट की यानी थर्ड पार्टी से आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका थर्ड पार्टी कुकीज, और ये एक मेजर कंसर्न है, किस चीज का, प्राइवेसी का। नाउ मूविंग ऑन टू द मेजर कंसर्न्स, वन बाय वन हम कंसर्न्स देखेंगे कि क्या क्या कंसर्न एसोसिएटेड है। ये इतना इनडेप्थ इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज इसके अंदर एक खास बात यह है कि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनालिटिकल आ रहे हैं, और जब उनके एग्जाम्पल्स आप डालते हो तो उस एग्जाम्पल्स के साथ आपको क्या करना है, चीजों को वैलिडेट करना पड़ेगा, सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, आपका आंसर एक जेनेरिक आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्टली प्राइवेसी कंसर्न अराइज एज कुकीज कैन ट्रैक योर ऑनलाइन बिहेवियर विच ऑफन हार्मलेस कैन कॉज एनक्रोचमेंट अपॉन डिजिटल प्राइवेसी। आप क्या देख रहे हो, आपने लास्ट टाइम क्या सर्फ किया था आपके ब्राउजर पे, आपने क्या क्या चीजें देखी थी, ये सब चीजें अगर किसी और को पता चलती है तो आपको कैसा लगता है। आप सोचिए कि ये सारी चीजें अगर कहीं स्टोर हो रही है तो आपको कैसा लगेगा, आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक किया जाए। तो ये सारे एक कंसर्न है, प्राइवेसी कंसर्न, ठीक है। नेक्स्ट द कंज्यूमर, हाँ अब एक इसमें इंपॉर्टेंट है कि The era of user consent has dawned thanks to the privacy regulation like General Data Protection Regulation and the California Privacy Act. तो क्या ये regulations कहाँ के, European Union और US के, तो क्या India में भी इसका कोई equivalent law present है कि नहीं है। India में इसका equivalent law है Data Protection Law. Data Protection Law जो कि देखिए काफी समय से ये आ रहा था कि हाँ ये लॉ पास होगा, बट इसमें काफी सारी चीजें धीरे धीरे अपग्रेड की गई टाइम के साथ, और अब रिसेंटली इसे रिलीज किया गया था, डिजिटल डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है। तो इंडिया के अंदर इसका क्या कंसर्न है कि हालांकि इंडिया में ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है, बट इनके लिए कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क अभी तक नहीं बना है कि पर्टिकुलरली इनके ऊपर, एक ब्रॉड एम्बिट में इनको कवर किया गया है बट पर्टिकुलरली इन चीजों को कवर नहीं किया गया, इससे प्राइवेसी कंसर्न्स रेज होती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, और ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक का ही है, शुड जनरेटिव एआई बी रेगुलेटेड। इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस इसमें आएंगे कैसे और इस इंफॉर्मेशन का हमें यूज कैसे करना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, GS3 में ये आ सकता है, ये GS2 में भी आ सकता है। अब ये आएगा कैसे वो हम पहले डिस्कस करते हैं ताकि जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चले। देखिए जनरेटिव एआई का मतलब क्या है, आप गए चैट जीपीटी पे, आपने क्या किया, कुछ टाइप किया कि वर्ल्ड, जैसे आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो आपने बोला कि वर्ल्ड हार्ट डे के लिए मुझे कुछ फैक्ट्स तैयार करके दीजिए। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको कुछ कंटेंट रेडी करके देगा, यानी उसने क्या किया, कंटेंट जनरेट किया। या फिर आप ये सोचो कि आपने कहीं पे आपने ये टाइप कर दिया कि मेक ए वेरी गुड पेंटिंग या मेक ए म्यूजिकल नोट, लेकिन वो म्यूजिकल जो नोट बन के आ रहा है वो किसका कॉपीराइट होगा। अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सिंगर है, वो कोई गाना गाता है, तो वो कॉपीराइट उनके पास जाता है, पर चैट जीपीटी इस तरह के अनेक म्यूजिकल नोट्स बना सकता है, ठीक है, तो फिर इसका कॉपीराइट किसके पास जाएगा। तो यहाँ एक एथिकल कंसेप्ट आ जाता है कि ये जो कॉपीराइट का इश्यू है ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसके लिए अलग अलग देशों ने अलग अलग बातें कही हैं। तो हम आते हैं वापस बैक कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। क्वेश्चन इस तरह फ्रेम होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में एक अमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, बट इसके कुछ एथिकल कंसर्न्स भी हैं। तो लिस्ट डाउन दीज कंसर्न्स एंड हाउ द डिफरेंट नेशंस आर डूइंग द दिस रेगुलेशंस ऑफ दिस जनरेटिव एआई और सजेस्ट वे फॉरवर्ड, एंड आप उसको इंडिया से भी लिंक कर सकते हैं। ये तीन चार चीजों पे क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ अगर आपको ये बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा तो नाउ लेट अस सी कि यूएस क्या कर रहा है, यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है और हम इंडिया में क्या कर रहे हैं। सो नाउ लेट अस सी द फर्स्ट थिंग। यूएस का जो प्रैक्टिस है वो ये है, यूएस कॉपीराइट ऑफिस, उन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई भी एआई से बनी हुई चीज आती है तो उसका कॉपीराइट नहीं मिलेगा।
उन्होंने तो साफ कह रखा है कि भाई कॉपीराइट नहीं मिलेगा, आप अगर एआई से बना के कोई चीज लाते हो तो आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा। अब कल को मान लीजिए मैं एक चैट जीपीटी पे जाके बोल देता हूँ कि ये टाइप करके दे दो मुझे, वो अच्छी खासी बुक लिख देगा मेरे लिए, तो क्या मैं उस बुक का कॉपीराइट ले आऊंगा? नहीं, यूएस में तो ऐसा नहीं चलता है। नाउ लेट अस सी, तो हमने यूएस का तो देख लिया है, अब हम देखेंगे ईयू का, यूरोपियन यूनियन ने क्या रेगुलेशंस किए हैं एआई के लिए। अब देखो जनरेटिव एआई के लिए यूएस ने बोला है, सॉरी ईयू ने बोला है कि अगर कोई भी आप ऐसा कंटेंट बना रहे हो जो कि जनरेटिव एआई से बना हुआ है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, टैग करना पड़ेगा, वहां उस पर लिखा होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए कि ये जनरेटिव एआई से बना हुआ है, पहली चीज ईयू ने बोली है। दूसरी चीज ईयू ने क्या बोला है कि आपने जिस मॉडल से ये बनाया है उसके ऊपर जो ट्रेनिंग के लिए डेटा इस्तेमाल की गई थी वो ट्रेनिंग का डेटा भी आप क्या करें, दिखाएं। यानी सपोज कीजिए कि कोई भी डेटा साइंस का मॉडल है या फिर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है वो किसी डेटा पे पहले ट्रेन किया जाता है और जिस डेटा का यूज किया गया है उस ट्रेनिंग मॉडल को ट्रेन करने के, उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए वो डेटा भी आपको बताना पड़ेगा। लेकिन कंपनीज का क्या कंसर्न है, कंपनीज ये बोल रहे हैं कि हम कौन सा डेटा यूज कर रहे हैं मॉडल ट्रेन करने के लिए ये हम आपको बता देंगे तो हमारे फिर ये कॉपीराइट जो है जैसे कि हमारा ये ट्रेड सीक्रेट लीक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, जैसे कोका कोला की कंपनी अगर ये बता देती है कि उन्होंने कोका कोला का मेथड क्या है, बनाने का तरीका क्या है, तो ऑब्वियसली फिर कोई भी बना के बेचेगा। तो यही इन कंपनीज का कंसर्न है कि अगर हमने वो बता दिया कि हम डेटा को ट्रेन कैसे कर रहे हैं, कौन सा डेटा यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो सब कॉपीराइट का इश्यू बन जाएगा। नाउ मूविंग ऑन कि इंडिया के अंदर इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, तो शुरुआत करने से पहले हम एक देखेंगे कि इसमें इंडिया का एक केस, इंडिया में क्या हुआ था कि रिसेंटली एक पर्सन गए अपनी पेंटिंग लेके आईपीआर के लिए यानी कि कॉपीराइट के लिए, तो उन्होंने जब अप्लाई किया तो जब उन्होंने अप्लाई किया तो पहली बार जब उन्होंने पेंटिंग के लिए आईपीआर के लिए अप्लाई किया तो उनको मना कर दिया कि ये पेंटिंग आपने नहीं जनरेटिव एआई ने बना के दी है। उन्होंने बताया कि भाई ये पेंटिंग जनरेटिव एआई से मैंने बनाई है, मुझे इसका कॉपीराइट चाहिए, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ऑफिशियल्स ने। लेकिन जब दोबारा वो गए वहां पे दोबारा उस पेंटिंग को लेके गए और बोले कि ये मैंने और एआई ने मिलके बनाई है, तो उसको उन्होंने पास कर दिया, उन्होंने उसको कॉपीराइट दे दिया। तो यहाँ पे लॉज में क्या है, कुछ ना कुछ आप देख रहे होंगे कि पहले सेम चीज थी लेकिन बताने का तरीका अलग था कि मैंने और एआई ने मिलके बनाया, ये एआई ने बनाया, तो कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है कि हम किस तरह से इस चीजों को डिफाइन कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो लॉज है वो इस केस में लूज है। हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी इंडिया को। जैसे इंडिया में एक है डीपीडीपी यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन इसमें भी एक कंसर्न है। कंसर्न ये है, जैसे पहले मैं आपको इस एक्ट के बारे में बता देता हूँ कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों डेटा जो हम स्टोर कर रहे हैं हमारी डेटा, तो उन दोनों जैसे प्राइवेट एंटिटी में जो स्टोर कर रहे हैं और गवर्नमेंट एंटिटी में जो स्टोर कर रहे हैं उन दोनों डेटा को ये ये प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अब इसमें एक और कंसर्न है कि जब ये गवर्नमेंट और प्राइवेट का तो इन्होंने नाम ले लिया, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ क्या साफ साफ लिखा है, इट डज नॉट अप्लाई टू एनी पर्सनल डेटा दैट वाज पब्लिकली मेड अवेलेबल बाय यूजर टू हुम द डेटा रिलेट्स। यानी उन्होंने अगर पब्लिकली अपनी कोई डेटा मेंशन की है कहीं पे बाहर, जैसे किसी वेबसाइट पे उन्होंने अपनी डेटा को पब्लिक किया है, तो उसके लिए क्या लॉज है, अगर वो कहीं यूज हो गई फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो इस तरह की जो चीजें हैं इनको कंसर्न, ये इस कंसर्न्स में आ जाएगी डीपीडीपी में, यानी इंडिया के पर्सपेक्टिव में जब आप लिखोगे तो ये वाले कंसर्न्स आ जाएंगे। ये आप एग्जांपल लिख सकते हो, वे फॉरवर्ड में आप यूएस का एग्जांपल दे सकते हो, ईयू का एग्जांपल दे सकते हो, दोनों पॉइंट्स लिख सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द यूज ऑफ एआई। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि आपको पता होगा एमएस स्वामीनाथन द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, सो ही यस्टरडे ओनली ही पास्ड अवे लिविंग ए ह्यूज लेजेंडरी लिगेसी बिहाइंड हिम। सो उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ये हमें पता होने चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, और हमने जब पहला लेक्चर था करंट नामा का उसमें ये डिस्कस भी किया था एम एस स्वामीनाथन एंड विश्वेश्वरैया के ऊपर जो क्वेश्चन आया था मेन्स में। तो जब भी कोई पर्सनैलिटी न्यूज में होती है तो हमें उनके कॉन्ट्रीब्यूशन पता होने चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन वैसे हम सब जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन हमें कुछ कीवर्ड्स भी याद रखने होंगे जो कि हम हमारे आंसर्स में लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे ताकि जो चेक कर रहे हैं मीजी लेटर उन्हें क्या लगे, हाँ
ये कीवर्ड्स हैं, ये इनका कंट्रीब्यूशन था और उसी बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग बासमती राइस वैरायटीज, ये आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। डॉक्टर स्वामीनाथन प्लेड ए की रोल इन डेवलपिंग हाई यील्डिंग बासमती राइस वैरायटीज, एनहांसिंग प्राइस प्रोडक्शन एंड राइस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज। यानी कि अगर आप हाई यील्डिंग वैरायटीज आप यूज करोगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो एक्सपोर्ट भी ज्यादा होगा। तो ये पहला आपका कंट्रीब्यूशन। दूसरा, यूज ऑफ म्यूटेशन टेक्नोलॉजी। म्यूटेशन टेक्नोलॉजी सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी जेनेटिक मेकअप है किसी भी बॉडी का, या इन इस केस में हम बात करें कि उस क्रॉप का, अगर आप उसको म्यूटेट करते हो, चेंज करते हो और फिर उसको ग्रो करते हो तो उसे कहते हैं म्यूटेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन। यानी कि आपने क्या किया, एनहेंस्ड ट्रेट्स लाइक हाई रीड्स, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड अडेप्टेबिलिटी। ये हमने कल भी बात की थी कि जीएम क्रॉप्स क्लाइमेट रेजिलियंट होते हैं, है ना। एक आपको एग्जाम्पल भी बताया था स्वाति मैम का कि उन्होंने रिसेंटली प्राइज भी जीता है इस रिगार्डिंग। तो ये चीज भी आप डाल सकते हो कि जेनेटिक्स का यूज करके हमने क्या देखा कि स्वामीनाथन जी ने हाई रील्स की पेस्ट रेजिस्टेंस बनाया और अडेप्टेबिलिटी भी की। प्लस लॉन्च ऑफ लैब टू लैंड प्रोग्राम्स, यानी कि लैब टू लैंड, अब इसका मीनिंग क्या है, हिज इनिशिएटिव सच एज लैब टू लैंड प्रोग्राम्स फैसिलिटेटेड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनोवेशन बेनिफिटिंग फार्मर्स बाय डिसेमिनेटिंग एडवांस फार्मिंग प्रैक्टिसेस। यानी जो हम लैब में टेस्टिंग करते हैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, जैसे कि हम अगर सपोज करो कि कहीं भी बड़ा ऑपरेशन कुछ करना होता है हमें, जैसे कि फार्मिंग में हमें कोई चीज अप्लाई करनी है तो पहले हम उसको लैब में टेस्ट करते हैं। तो इन्होंने जो लैब में जो टेस्टिंग जितनी भी हो रही थी उसके जो इम्पोर्टेंट जो इम्प्लीकेशंस थे उनको इम्प्लीमेंट किया कि हाँ ये लैब में अगर सक्सेसफुल है तो हम इसको कहाँ यूज करेंगे, हमारे फॉर्म्स में भी यूज करेंगे। तो यहाँ से वहां तक ले जाने का जो प्रोसेस है लैब टू लैंड, वहां इम्प्लीमेंट करना, एक्चुअल फार्मिंग प्रैक्टिसेस में उसको इंक्लूड करना, ये उनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो ये सारी चीजें आप एग्जैक्ट कीवर्ड्स यूज करेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलने की आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल, GS2 का आपको पता है, GS2 में SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपको क्या करना है कि आपको जो पुराने जो SHGs है आप कोशिश कीजिए कि आप कुछ नए SHGs का एग्जांपल दें अपने आंसर्स में। जब भी आप GS2 का आंसर लिख रहे हो तो वो एग्जांपल ना लिखें जो कि सब लोग लिख रहे हैं, जो सिमिलर हैं, जैसे कि जो पुराने SHGs थे उनके एग्जांपल। आपको क्या करना है, कुछ यूनिक एग्जांपल निकालने, जैसे कि आज न्यूज में था इंडियन एक्सप्रेस में कि द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, किससे, वीमेन SHG। अभी दो जगह यूज हो सकता है, एक GS1 में भी ये यूज हो सकता है और ये SHGs GS2 में भी यूज हो सकता है, प्लस आप इसको ऐसे में भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है कि सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि SHG है क्या। यहां पर मध्य प्रदेश में जो टोल प्लाजा आप देखते हो दे आर ऑपरेटेड बाई वीमेन और 30% ऑफ द टोल्स कलेक्शन गोज टू SHG। यानी जो टोल कलेक्ट कर किया जा रहा है विमेन के द्वारा उसमें 30% ऑफ दैट टोल कलेक्टेड इज गोइंग टू SHGs। नाउ इससे क्या होगा, मध्य प्रदेश की जो विमेन है उनकी मिनिमम गवर्नमेंट ने क्या प्रॉमिस कर दी है कि 10,000 पर मंथ यहां से आपको इनकम हो जाएगी। तो आपको ये पूरा आर्टिकल पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में एक SHG है और SHG को फंड कहाँ से मिल रहा है, टोल कलेक्शन से, और उसको ऑपरेट कौन कर रहा है, विमेन। तो ये तीन अगर आपने आर्ग्यूमेंट भी याद कर लिए तो आपको अलग अलग डायमेंशन मिल जाएंगी, आप विमेन में भी यूज कर सकते हो, गवर्नेंस में भी इसको यूज कर सकते हो, प्लस इंडियन सोसाइटी में भी इसको यूज कर सकते हो। इसी तरह सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है, प्रोडक्ट वर्थ 700 crores सोल्ड, यानी कि आजीविका मार्ट्स, ये सिमिलर कंसेप्ट है इसमें भी, और इसमें भी आप कहाँ यूज कर सकते हो उसको। द विजन ऑफ मिस्टर द चीफ मिनिस्टर ऑफ MP, उन्होंने क्या किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ वुमेन हैव ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड यूटिलिटी आइटम्स। तो आप सिर्फ MP का एग्जाम्पल डालेंगे अपने आंसर में, पूरा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। और आप क्या डालोगे कि SHG बना के उन्होंने 700 crore का क्या किया है, बिजनेस किया है, प्लस उनका नाम लिख दीजिएगा आप आजीविका मार्ट्स। ये मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन है एक एग्जांपल के लिए, जैसे आपने कोई SHG लिखा
उसके नीचे आपको क्या लिखना है, 700 करोड़ वर्थ बिजनेस डन बाय द वीमेन एसएचजी इन एमपी नेम्ड एज आजीविका मार्ट्स। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज न्यूज एंड जो आपको क्वेश्चन ऑफ द वीक दिया गया है आई होप आप उसको जल्दी से जल्दी लिख के सबमिट करेंगे। सो वी विल मीट टुमारो विद सम न्यू न्यूज। थैंक यू। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.